हिमाचल के ज्वाली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह की अध्यक्षता में अधिवेशन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह ने कहा कि देवों की भूमि पर सभी क्षत्रिय एकजुटता का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप वीर योद्धा व हिंदुओं के आदर्श रहे हैं। उन्होंने इस अधिवेशन में सरकार से मांग की कि हिमाचल में महाराणा प्रताप का संग्रहालय व शोध संस्थान बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने महासभा की गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह हमारे हिंदुओं का संविधान है। उन्होंने कहा कि दलित एक्ट का देश में दुरुपयोग हो रहा है, अब दलित एक्ट में नार्को टेस्ट अनिवार्य किया जाए, इसका राजनीतिक दुरुपयोग रोका जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, आरक्षण का जातिगत नहीं आर्थिक आधार होना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बच्चन सिंह राणा ने आय व्यय ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद कहा कि आप सबको स्मरण होगा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने श्री राम मंदिर निर्माण की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, पास तो कांग्रेस ने किया था लेकिन कुछ पार्ट रह गया था, मोदी जी ने उनके नेतृत्व में पास हुआ, तो मैं भी पार्लियामेंट में था। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, बुखार था, मैं पार्लियामेंट गया नहीं। पास हो गया, पास तो हुआ अच्छाई के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। आज मेरी 70 साल उम्र है, आज तक कोई दाग नहीं है, लेकिन आप एक दलित को 50,000 रुपया दे दीजिए, 1,00,000 रुपया दे दीजिए, हरिवंश सिंह के खिलाफ रेप का केस लगा दो, या आप बोलोगे गाली दे दी हमको तो मेरी सजा हो जाएगी, मेरी जमानत नहीं होगी, मेरा 70 साल का जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा पूरा। तो इसमें सुधार आना चाहिए। अमेंडमेंट आते रहते हैं समाज के जरूरत के हिसाब से, अमेंडमेंट पार्लियामेंट में आते रहते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट बना हुआ है। चीजें बदलती रहती है और नियम बदलते रहते हैं, तो उसमें हम लोग करें। जैसे अभी हाथरस में कांड हुआ, वो नार्को टेस्ट से क्यों घबरा रहे हैं कि नार्को टेस्ट में सब बातें खुल जाएगी, क्योंकि उसके भाई ने ही मारा। अब संजोग की बात है, उसके भाई का भी नाम, लड़की के भाई का नाम भी संदीप है, उसका प्रेमी जो ठाकुर लड़का है वो भी संदीप है। मैं गया वहां, सब सारी इंक्वायरी किया, हमारी टीम गई तो मालूम पड़ गया कि पहले एक आदमी का नाम रेप में था, फिर लोगों ने उसको बोला इसमें तो बहुत कम पैसा मिलेगा, 2.5 लाख मिलेगा, 4 लड़कों को लिखा दो तो 10 लाख मिलेगा, और उसको मिल गया 25 लाख दबाव में, फिर उसको मकान मिल गया, सरकारी नौकरी का कमिटमेंट हो गया, और एक फर्जी लेडी लाके बैठा दिया कि लड़की की भाभी है। 20 दिन तक पत्रकार नहीं बता पाए, आप जैसे पत्रकार, कि वो फर्जी है असली है। जब वो भाग गई, जब मालूम पता लगा तो भाग गई, वो अफसर थी यहाँ मध्य प्रदेश की, अब उसका हत्या पता नहीं उसकी भाभी का। तो सब फर्जी जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए अमेंडमेंट लाया जाए। भारतीय क्षत्रिय महासभा के आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत सफल रही, इसमें 27 प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 17 प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे, और कुछ लोग कोरोना काल की वजह से जो पॉजिटिव हो गए उन लोगों ने अपनी स्वीकृति दी है। सब खुला अधिवेशन में लोग पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी देवों की भूमि में हर प्रदेश के जो लोग आए हैं उनमें ये आया कि क्षत्रिय उत्थान आयोग का गठन होना चाहिए, इस पर सबने स्वीकृति दी है। जो दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा पूरे देश में, इस पर अमेरिका और सिंगापुर की तरह नार्को टेस्ट कन्फर्म किया जाए, इसके लिए कानून लाया जाए, और इस कानून को लेकर के लोकसभा में भी हम लोग मांग उठाएंगे अपने सांसद के माध्यम से। तो ये इस पर पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, बेनड्रेपिन टेस्ट होना चाहिए, और जो लोग भी जेल में बंद हैं उनको दोषमुक्त प्रमाण पत्र दिया जाए। मुआवजा के खेल में जो पूरे देश में ठाकरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा विरोध करती है और अपनी विरोध दर्ज कराई। एक मामला ये भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, उसका हमने स्वागत किया, कि कोई भी व्यक्ति फर्जी अगर मुकदमा दर्ज कराता है तो उसकी पहले जांच होनी चाहिए, लीगल जो है उसका कोई गवाह होना चाहिए, बिना गवाह के हरिजन एक्ट नहीं लगाया जाए, तो ये स्वागत है। और इसको पलटा ना जाए, बार बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, जातिगत आरक्षण कैसे समाप्त होगा, इस पर भी बहुत मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ,
और जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए। 70 साल आज़ादी के आज हो गए, तो ये निश्चित तौर पर है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जो भी आरक्षणकर्ता लोग हैं वो लोग जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनके मकानों पर लिखा जाए BPL धारक आरक्षण प्राप्त करता, तो ये अभियान भी पूरे देश में चलाया जाए। इसके बाद उत्तराखंड में जहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है अपने ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.